यहाँ खड़े हैं यहाँ तक पहुँचे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग संडे राइड पे निकले हैं। और आज का जो संडे राइड है वो थोड़ा एक स्पेशल जगह जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं आमी और हमारे साथ है बिट्टू। तो हम और बिट्टू साथ में जा रहे हैं आज आमी राइड करने वाले हैं, मॉर्निंग राइड। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आमी एक शक्तिपीठ है और जहाँ पे शक्ति का दहन हुआ था, मतलब अगर पूरे इंडिया में सब जगह शक्तिपीठ है तो वन ऑफ द सबसे मतलब आप बोल सकते हैं फेमस इसको होना चाहिए था, बट इस वे फेमस नहीं है। ड्यू टू रीज़न बिहार में थोड़ा टूरिज्म को बढ़ावा नहीं देता है, तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और हम लोग ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहे, दुनिया को बताते रहे कि मेन शक्तिपीठ जो है वो बिहार में है। और बिहार में कहाँ पे है, दिगवाड़ा नाम का जगह है, वो गंगा किनारे, वहीं पे है ये शक्तिपीठ। तो आज जा रहे हैं वहीं राइड करने। और आमी कितने किलोमीटर है, कैसे जाना है, क्या रोडवे है और हर एक डिटेल जो है ना वो इस वीडियो में रहेगा। तो इस वीडियो को बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। और आई होप शो कि आज का व्लॉग जो है वो आप लोग को अच्छा लगे, पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर अभी भी अब मेरे चैनल पे अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो आज का राइड स्टार्ट करते हैं। क्या दोस्त, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी का नाम लेके आज का राइड स्टार्ट करते हैं। और अभी फिलहाल हम हैं इस फ्लाईओवर पे। ये कौन सा फ्लाईओवर है, ये बजरंग चौक वाला जो फ्लाईओवर है वही है, जैसे हम लोग जेपी सेतु क्रॉस करते हैं और ये फ्लाईओवर है, जैसे कि देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो पटना जो है वो डे बाई डे, बिहार जो है वो डे बाई डे डेवलप कर रहा है और उसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे हमेशा आते रहता है। अगर आप कुछ डेवलपमेंट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए और लॉन्ग राइड वीडियो भी आते रहता है। और एक और बात है वो भी आपके साथ शेयर कर दें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मेरे चैनल पे एक और नया व्लॉग आने वाला है, जैसा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा बोल रहे थे छपरा एनएच का अपडेट देने का। तो हम मेनली छपरा एनएच का भी आज अपडेट देने वाले हैं और इस व्लॉग में नहीं आने वाला है, उसका एक अलग सेपरेट ब्लॉग बनाने वाले हैं छपरा एनएच का, और साथ में आमी राइड भी करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो चलते हैं और एक और डिटेल आपके साथ शेयर कर दें पहले, कि जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है, ये राइड पटना से स्टार्ट किए थे, बस ब्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट किए। तो यहाँ आने के लिए रास्ता ऐसे है कि आप पटना दिघा जो है, दिघा जेपी सेतु क्रॉस करते हुए आप सीधा जो फ्लाईओवर पकड़िएगा, उसी फ्लाईओवर पर भी फिलहाल हम राइड कर रहे हैं। और ये जो फ्लाईओवर है ये सीधा रोड जाता है हाजीपुर छपड़ा, जो एनएच है उसी पर जाता है। तो उस रोड पर चल के हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली आ गए हैं उस रोड पर जहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके हमको छपड़ा की तरफ बढ़ना है। और ये राइट हैंड साइड में देख रहे ना डेवलपमेंट, जी दोस्तों इसका एक ब्लॉग ऑलरेडी बना चुके हैं और इसका जोरों से काम चल रहा है। ये जो फ्लाईओवर है ना ये सीधा छपड़ा एनएच जो नया वाला बनता है उस पर जाके मिलेगा, बट अभी हम लोग पुराने वाले रोड से जाएंगे क्योंकि नया वाला रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम लोग पुराने वाले रोड से जाएंगे, तो यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट टर्न और इसी रोड को पकड़ के सीधा हम लोग जाएंगे आमी। तो आपको बता दें कि ये जो चौक है ना, इस चौक से भी हम लोग जेपी सेतु जा सकते हैं, पहलेजा घाट होते हुए रास्ता है जेपी सेतु जाने का इस चौक से भी। तो ट्रैफिक जाम का सिलसिला जो है वो यहीं से स्टार्ट हो गया दोस्त। ये जो है ना ये पुराना वाला रोड है, नया वाला जो छपड़ा एनएच जो पास हुआ है वो उस साइड से है, इसी के पैरेलल में उस साइड से है, इसको क्रॉस करके फिर आगे जाके वो मिल जाता है। बट अभी वो मिट्टी फिलिंग का वहाँ काम चल रहा है, पॉसिबल होगा तो उधर से लौटते टाइम उधर ही साइड से आएंगे, देखेंगे क्या काम चल रहा है। पहुंच गए हैं दिगवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, यही है दिगवाड़ा का रेलवे गुमटी, रेलवे क्रॉसिंग। चलिए भाग, अच्छा था कि रेलवे गुमटी बंद नहीं मिला, नहीं तो यहाँ पे लगता है खतरनाक वाला जाम दिगवाड़ा में रेलवे गुमटी की वजह से। बस ये दिगवाड़ा बाजार और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर है आमी। तो बस लगभग हम लोग पहुँच गए हैं,
ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस फाइनली पहुंच गए आमी, यही है आमी दोस्त। स्वागतम माँ अंबिका भवानी, यही है मेन गेट और इसी के अंदर से रास्ता है। तो चलते हैं हम लोग, एंट्री मारते हैं अंदर। तो आपके साथ एक और बात शेयर कर दें कि अभी आप लोग देखे होंगे ऑलरेडी वीडियोस में कि टू लेन रोड है अभी, मतलब फोर लेन वाला जो रोड था छपड़ा एनएच, वो थोड़ा हटके है, उस रोड से नहीं आए थे, बट रास्ते में देखने को मिला होगा छपड़ा एनएच। तो चलते हैं अभी अंबिका भवानी आमी मंदिर, दर्शन करते हैं, कोशिश करेंगे आप लोग को भी दर्शन कराए और हर एक डिटेल जो है आपके साथ शेयर करेंगे, कहाँ पार्किंग है, कहाँ से प्रसाद लेना है, कैसे क्या सिस्टम है, हर एक डिटेल जो है वो शेयर करेंगे। और आपको एक और बात शेयर कर दें आपके साथ कि 7 बजे के अप्रॉक्स निकले थे हम पटना से और 8:10 बाकी, मतलब अप्रॉक्स 50 मिनट में हम पहुंच गए हैं आमी। और डिस्टेंस का अगर बात करते हैं तो पटना से आमी का डिस्टेंस जो है वो है 40 किलोमीटर। तो अच्छा ये बात है कि अगर आप लोग संडे को छोटा सा ट्रिप या राइड प्लान कर रहे हैं, एक छोटा सा राइड, तो काफ़ी अच्छा जगह है, एक तीर्थ स्थल है, आप आके विज़िट कर सकते हैं। और बाकी तो इस वीडियो में हर एक डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। आई होप सो कि आज का जो ब्लॉग है अगर पूरा देख के आप आमी आते हैं तो आपको कहीं से कोई इशू ना होगा, मतलब इसका तो कोशिश करेंगे कि ऐसा ब्लॉग रहे। तो बस ये हम लोग गाँव में एंट्री कर रहे हैं और मेन रोड से अंदर गांव वाले रोड में आ गए हैं, इससे बस थोड़ा सा आगे है, इसी टाइप का पतला रास्ता है और इसको क्रॉस करते हुए चलना है। बस सीधा जाता है ना, ये चला जाता है गंगा के साइड और ये है आमी मंदिर। हम लोग फाइनली पहुंच गए, माता का नाम लेते हैं, जय माता दी लगाते हैं। भाई उतर जाओ, फाइनली यहाँ गाड़ी पार्किंग है। हाँ हैंडल लॉक खुला हुआ है, हैंडल लॉक नहीं करेंगे। तो बेसिकली बता दें कि हम पहुँच गए हैं आमी और आई होप शो कि कैमरा में दिख रहा होगा वहाँ, इस ये है मंदिर माँ अंबिका भवानी स्थान। तो अभी हम लोग लेते हैं प्रसाद, हाथ पैर धोते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करते हैं। सो फाइनली पहुँच गए हैं, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम पहुँच गए हैं आमी और आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर दें। तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना बाइक पार्क है और बाइक फुली लोडेड है, राइडिंग जैकेट हेलमेट सब कुछ यहीं पे है और यहीं पे इनका शॉप है और इन्हीं का पार्किंग है। सो ले लिए हम लोग प्रसादी। यस, क्या क्या मिला है इसमें? है पेड़ा, नारियल, अगरबत्ती। तो ये कितने का है पूरा? पूरा 140 रुपये का पूरा है। और अंदर में क्या कुछ है भी? मास्क वास्क भी पहन के जाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भीड़ भर कहाँ है? भीड़ नहीं है। चलिए ठीक है, चला जाए हम लोग अंदर, एंट्री करते हैं। ये है एंट्री गेट। सो आई होप शो कि आज का जो है व्लॉग है उसमें ये मान्यताओं के अनुसार दक्ष प्रजापति का घर था, ये यहीं पे उस दिन यज्ञ हो रहा था जब माता सती का दहन हो गया। चलो तो और भी डिटेल अंदर में बात करते हैं और फाइनली देख सकते हैं ये है मेन गेट और यहीं से है एंट्री। तो आई होप शो कि आज का व्लॉग में आप लोग को हम माँ अंबिका भवानी का दर्शन कर पाए और आप लोग को भी दर्शन कराएं। आई नो।
चलिए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। और ये रहा महादेव का। तो आते हैं, पहले चलते हैं नारियल लेते हैं। आ जाओ दोनों चलते हैं। वीडियो भी बना रहे हैं यहाँ खड़े हैं, यहाँ तो कवर कर रहा है। हाँ, ये सुपर व्यू मोड में रहता है तो थोड़ा ज़्यादा कवर करता है। वन शॉट सो बता दें कि यही है बेसिकली माँ अंबिका भवानी का मंदिर, और ये है मंदिर का प्रांगण। इसके साथ साथ बता दें कि ये एंट्री गेट था, इस साइड से हम लोग एंट्री किए हैं अभी फिलहाल। और इस साइड में जाना, इस साइड में हवन कुंड है, और यहाँ है एक महादेव का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मूर्ति, तो इसको आपको दिखाते हैं अभी। ये सो महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, जय माँ अंबिका भवानी। ये माँ अंबिका भवानी का मंदिर है, और हम लोग पूजा कर चुके हैं जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और बाकी बिट्टू भाई भी कुछ कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं, घर पे दिखा रहे हैं, शायद वीडियो कॉल पे है। इसके बारे में आपको कुछ बात शेयर कर दें आपके साथ। और इसके पीछे में जो है ना वो गंगा जी हैं, तो आइए दिखाते हैं आपको पीछे साइड में। आई होप शो कि शायद दिखे पीछे साइड में क्या है, आते हैं देखते हैं। और ये मंदिर का प्रांगण है ये, तो इस साइड में पीछे साइड से तो कुछ दिख नहीं रहा है। इस साइड में गंगा जी हैं, जैसा कि आपको शायद कैमरा में दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, इस साइड में गंगा जी है पूरा, और बस गंगा किनारे में है ये माँ अंबिका भवानी का मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। और ऑलरेडी बता चुके हैं कि सती का दहन यहीं हुआ था, तो और भी ढेर सारा जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करते हैं। सो कैसा लग रहा है आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बेस्ट पार्ट ये था ना कि अभी कोई रश नहीं था, और बिना मास्क के हम लोग आ सकते हैं क्योंकि कोई भीड़ नहीं है, आप ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं। और माँ अंबिका भवानी का दर्शन भी करवा दिया आप लोग को, तो हमको काफ़ी अच्छा लगा कि मेरे व्लॉग में माँ अंबिका भवानी का दर्शन करने का आप लोग को मौका मिला, क्योंकि अभी क्या था रश नहीं था, सो इस वजह से दर्शन हो गया, नहीं तो काफ़ी रश रहता है, बहुत भीड़ रहता है। तो भाई कैसा लगा, तुम तो फर्स्ट टाइम आए हो ना यार? बहुत ही बढ़िया लगा। कैसा लगा, मतलब एक छोटा राइड भी हो गया? छोटा राइड है, और यहाँ पे उतना छल प्रपंच नहीं है, छल प्रपंच है ना, लोग पैसा लूट नहीं रहे हैं, लूट नहीं, आप आराम से आए दर्शन करें, है ना, माता सती का कृपा आपके ऊपर से। सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है। नहीं, ऐसे भीड़ तो रहता है बट अभी नहीं है, कोरोना काल में भीड़ कम है। तो बिट्टू क्या बताने वाले थे, तुम कुछ ब्लॉग में बोल रहे थे, आवाज़ उस टाइम बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे कि प्रजापति दक्ष जो सती के पिताजी थे उनका घर यहीं था। अच्छा, ये उनका घर था? हाँ, ये एरिया उनका घर था। अच्छा, और जो अभी हवन कुंड हम लोग देखे, उसी में सती जी का दहन हुआ था, इसीलिए ये फेमस है, ये बहुत ही ज़्यादा। तो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप शो कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को कीजिए सपोर्ट, भाई ऐसे ही हमेशा व्लॉग बनाते रहेगा।
क्या लगता है? तो अभी हम लोग लौटेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा वो पटना छपड़ा जो एनएच है उसका अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोल रहे थे छपड़ा का अपडेट देने का, तो उसका भी अपडेट देने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग वापस पटना। जय हाँ लिखने कोई सरदा करिए बाबा की बोला।